आज के समय में हम सभी अपनी सेहत के प्रति काफ़ी जागरूक होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए को लेकर बहुत सचेत रहते हैं, साथ ही भोजन में कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स का खास ख्याल भी रखते हैं। हम सभी जीव जंतु और वनस्पतियों को जीवन बनाए रखने व शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति पोषक तत्वों के द्वारा ही होती है, जिन्हें मुख्य 6 वर्गों कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिंस और जल में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं इन्हीं पोषक तत्वों में से एक प्रोटीन के बारे में कुछ बेहद जरूरी बातें, जिनके प्रति अनभिज्ञता हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। दोस्तों, प्रोटीन्स जटिल संरचना वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्वों के अणुओं द्वारा की जाने वाली रासायनिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ अन्य प्रकार के प्रोटीन्स सल्फर, कॉपर, फास्फोरस, जिंक, आयोडीन और आयरन जैसे तत्वों के अणुओं की सूक्ष्म मात्रा में मिलने से भी बनते हैं। कार्बनिक यौगिक होने के कारण प्रोटीन्स एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा को संतुलित करने तथा शरीर की सबसे छोटी व आधारभूत इकाई के निर्माण जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन्स द्वारा ही किए जाते हैं। कोशिकाओं के भीतर उपस्थित जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, जो शरीर की वृद्धि और अनेक मुख्य जैविक क्रियाओं में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, के लिए प्रोटीन भोजन का कार्य करता है। मानव शरीर का 15-20% हिस्सा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हमारा मानसिक व शारीरिक विकास प्रोटीन्स पर ही निर्भर है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले जैविक पदार्थ हैं, जिनकी 1 ग्राम मात्रा के सेवन से 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन्स का निर्माण एमिनो एसिड्स या अमीनो अम्लों के द्वारा होता है, इसीलिए एमिनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं। प्रोटीन्स के निर्माण में करीब 25 अमीनो अम्ल हिस्सा लेते हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। इन अम्लों में से 10 अम्ल विशेष व अनिवार्य होते हैं, जिनमें से किसी एक की भी कमी या अनुपस्थिति हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकती है। हमारा शरीर जिन आवश्यक प्रोटीन्स का निर्माण नहीं कर पाता, उनकी पूर्ति हम खाद्य पदार्थों के द्वारा करते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होने वाले भोजन से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स की प्राप्ति होती है। शाकाहारी भोजन में सोयाबीन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। एक रोचक बात जो ध्यान देने योग्य है कि सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, परंतु भोजन के द्वारा हम जिन प्रोटीन्स को ग्रहण करते हैं, उन्हें हमारा शरीर सीधे तौर पर प्रयोग नहीं करता, बल्कि इन बाह्य प्रोटीन्स को पहले अत्यंत सूक्ष्म कणों में तोड़ा जाता है और उसके बाद इनमें पहले एमिनो एसिड्स और फिर उन्हीं एमिनो एसिड्स से प्रोटीन का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया कोशिका के राइबोसोम में होती है, जहां डीएनए अथवा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के द्वारा यह पूरी प्रक्रिया संचालित की जाती है। डीएनए के द्वारा आरएनए तथा आरएनए के द्वारा एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है। एमिनो एसिड्स आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन्स के द्वारा कोशिकाओं का तथा कोशिकाओं से ऊतकों अथवा टिश्यूज का निर्माण होता है और टिश्यूज से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। प्रोटीन्स की उपस्थिति हमारे शरीर की कोशिकाओं, हड्डियों, ऊतकों व रक्त सभी में होती है। ये एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में कार्य करते हैं। हमारे शरीर की चयापचय क्रिया, जिसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कहते हैं, हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह पूरी प्रक्रिया एंजाइम्स और हार्मोन्स पर निर्भर करती है, जो एक प्रकार के प्रोटीन्स ही हैं। इसी प्रकार प्रोटीन्स द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करके हमारे शरीर को सभी प्रकार के संक्रमणों से बचाते हैं। प्रोटीन रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन तथा जरूरी तत्वों को शरीर के समस्त हिस्सों तक पहुंचाते हैं। ये घावों को भरने और हड्डियों की टूट फूट को ठीक करते हैं। उम्र दराज व वृद्धों की ऊर्जा और ताकत को बनाए रखने के लिए प्रोटीन्स अत्यावश्यक होते हैं। हम सभी के शरीर की आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर प्रोटीन की मात्रा निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में उम्र और वजन आदि के आधार पर इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। चिकित्सकों के अनुसार पुरुषों के लिए औसतन 60 ग्राम व महिलाओं के लिए 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन के लिए आवश्यक है। वहीं गर्भवती महिलाओं को करीब 75 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। प्रोटीन की सबसे अधिक जरूरत बच्चों, जवानों, प्रेग्नेंट व फीड कराने वाली माताओं को होती है, क्योंकि इनके शरीर में प्रोटीन की खपत सबसे ज्यादा होती है। आइए बात करते हैं प्रोटीन के स्रोतों की।
प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मांसाहारी व शाकाहारी भोजन है, जिससे हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। दूध और उससे बनी चीजें तथा अंडे, मांस, मछली आदि से प्राप्त भोजन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जबकि वनस्पतियों से प्राप्त भोजन में अन्य प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं। इसीलिए हमेशा मिश्रित रूप से भोजन का सेवन करना चाहिए, जिनसे हमारे शरीर के लिए सभी आवश्यक अमीनो अम्लों के माध्यम से प्रोटीन्स की पूर्ति होती रहे। क्योंकि जहाँ प्रोटीन्स की कम मात्रा से हड्डियों का घनत्व कम होने से कमजोर होती हैं, वहीं वजन की कमी, कद का न बढ़ना या बौनापन, मसल्स का कमजोर होना जिसके कारण समय से पहले ही उम्र का असर दिखाई देने लगता है, नाखून व बालों का कमजोर होना, कमजोर इम्यून सिस्टम, शारीरिक व मानसिक वृद्धि व विकास में कमी आदि के रूप में सामने आती है। वहीं बच्चों में होने वाला मिरास्मस या सूखा रोग तथा क्वाशियोकर आदि के कारण उनके शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही फैटी लीवर की समस्या भी प्रोटीन की कमी से ही होती है। वहीं अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन जहां किडनी के रोग, गठिया या आर्थराइटिस, वजन में वृद्धि व उच्च रक्तचाप जैसी दिक्कतों के रूप में सामने आता है, वहीं अतिरिक्त प्रोटीन शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा होकर मोटापा बढ़ाता है। प्रोटीन की अधिकता के कारण किडनी को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे इसके फेल होने या खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। शरीर में होने वाली प्रोटीन्स की कमी के कारण कई हो सकते हैं, जिनमें कम मात्रा में प्रोटीन के सेवन के साथ ही शरीर में प्रोटीन को पचाने की क्षमता का कम होना भी है, जिसका कारण आंतों में संक्रमण व डिसेंट्री आदि हो सकते हैं। साथ ही लीवर की कमजोरी के कारण शरीर में प्रोटीन का संतुलन ठीक नहीं रह पाता। इसी तरह किडनी की खराबी के कारण भी प्रोटीन यूरिन के साथ अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आशा है अब तक आप प्रोटीन के महत्व के साथ शरीर में इसकी कमी व अधिकता के प्रभावों को भी समझ चुके होंगे। यदि हम थोड़ी जागरूकता व सतर्कता के साथ भोजन का चुनाव करें तो हमारे शरीर में प्रोटीन्स की कमी नहीं होने पाएगी। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।